हे गाइस, ऑब्वियसली आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग होने वाली है आप सभी लोगों के लिए। आप में से काफ़ी लोग बहुत बार रिसर्च करते होंगे कि क्या केपॉप आइडल इंडिया आ चुके हैं, क्या केपॉप आइडल इंडियन सेलिब्रिटी से मिल चुके हैं। एंड मैं आपको बता दूं कि एक केपॉप आइडल ना सिर्फ इंडियन सेलिब्रिटी सलमान खान से अभी मिले हैं, बल्कि वो बिग बॉस हाउस। आप मुझे कॉमेंट में बताओ कि आप में से कितने लोग ऐसे हो जो कि बिग बॉस शो को देखते हो, यू कैन टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन। तो या वो जो के पॉप आइडल है वो ना सिर्फ सलमान खान से मिले हैं, सलमान खान को उन्होंने कोरियन लैंग्वेज बोलना सिखाया है, एंड ऑब्वियसली जो फेमस हॉट है जो BTS भी बनाना सिखाते हैं अपने जितने भी फैंस हैं, जितने भी सेलिब्रिटी है, सभी को वो कोरियन हॉट बनाना भी सिखाया है उस के पॉप आइडल ने सलमान खान को। बल्कि अब वो एक कंटेस्टेंट के जैसे के पॉप हाउस में रहने वाले हैं। या इट्स वेरी शॉकिंग। एंड यहाँ पे हम अगर इसे एक नेगेटिव पॉइंट में लेना चाहें तो बहुत सी नेगेटिव बातें हो सकती है। लाइक आपको पता ही है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा हेट मिलता है BTS को, है ना। एंड आप देख ही सकते हो बहुत ज़्यादा हेट मिलता है, तो बहुत नेगेटिव पॉइंट है देखने के लिए। लेकिन गाइस, हम आज ना पॉजिटिव पॉइंट पे फोकस करने वाले हैं। सो यहाँ पे के पॉप आइडल आए हैं, एंड वो जो के पॉप आइडल है उनका नाम है औरा। एंड इतना ही नहीं, उन्होंने ना हिंदी सॉन्ग गाया है, वो कृष्णा है। एंड उन्होंने बोला है कि ही लव्स इंडिया। एंड यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट ये है कि गाइस, के पॉप आइडल इंडिया में आए हैं एंड बिग बॉस हाउस में आए हैं। सो दुनिया भर के जो फैंस है, जो के पॉप के फैंस है, उनका सपना होता है कि के पॉप आइडल उनके देश में जाए। अपने देश में के पॉप आइडल आया है इंडिया में एंड वो बिग बॉस हाउस में आए हैं। हाँ, यहाँ पे यस, TRP के लिए उन्हें बुलाया गया है, बिकॉज़ आपको पता ही है कि ये जो सीज़न है बिग बॉस का, इसको ज़्यादा नहीं देखा गया है, ज़्यादा पसंद नहीं किया गया है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन गाइस, पॉजिटिव पॉइंट तो मुझे यही लगा कि के पॉप आइडल इंडिया आए हैं, उन्होंने इंडियन सेलिब्रिटी को कोरियन बोलना सिखाया है। वहाँ से मैं भी, मुझे नहीं आता अच्छे से कोरियन, सो हाई बोलना सिखाया है, एंड साथ ही उन्हें कोरियन हॉट बनाना सिखाया है। तो मुझसे अगर आप पर्सनली पूछोगे तो आई एम हैप्पी, लेकिन साथ ही साथ मैं इस चीज़ को लेके उतनी ज़्यादा हैप्पी भी नहीं हूँ, क्योंकि हेट मिलता है एंड हेट मिलेगा। एक छोटे से क्रिएटर को भी हेट मिलता है। आप सोशल मीडिया पे अगर आप IG चलाते होंगे, चाहे आप YouTube चलाते होंगे, तो आप देखते होंगे, आप अगर वीडियोस बनाते होंगे, आजकल किसको वीडियो बनाना पसंद नहीं है, तो उसमें आप देखोगे आपको बहुत ज़्यादा हेट कमेंट आते हैं, है ना। तो ये तो K-pop आइडल है, तो उन्हें हेट मिलेगा, BTS को भी मिलता है, लेकिन आई एम हैप्पी। आप मुझे कमेंट में बताओ आप हैप्पी हो या नहीं कि के पॉप आइडल इंडियन शो में आए हैं। एंड आज तक हम सपना देख रहे थे कि BTS आए इंडियन शो, कपिल शर्मा के शो में, एंड बाकी चीज़ें, अभी के पॉप आइडल आए, सो आई एम सो हैप्पी इंडियन शो में जब वो आए हैं। एंड इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आप में से काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न था कि BTS आए हैं। आप में से काफ़ी लोगों ने मुझसे IG पर DM में पूछा, दी BTS आए हैं, के पॉप जो आइडल है BTS वो आए हैं बिग बॉस शो में। तो मैं आपको बता दूं, नो गाइस, वो BTS नहीं है, वो भी एक के पॉप आइडल है, और का नाम है उनका, ओके। एंड आपको पता ही होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यस, BTS भी बहुत जल्द इंडिया आने वाले हैं, जैसे उनकी मिलिट्री सर्विस ख़त्म होती है। आप मुझे कॉमेंट में अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हो कि आपको क्या लगता है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो और है, जो के पॉप आइडल है, उन्हें बिग बॉस शो में जाना चाहिए था या नहीं। थैंक यू।